हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप अभी घर पर रीच कर गए और आज मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है और उसके लिए अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा ही हुआ होगा पेपर। शाम को 5 बज रहा है, इस समय आप प्रॉबेबली पहुँच चुके हैं अपने घर। अभी हमें बात करनी है कि हमारा जो परसों का पेपर है BCK एंड इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स और BCK का जो परसों पेपर है, उसके लिए सर क्या स्ट्रैटजी करी जाए? टाइम लग रहा है, बहुत कम है, कैसे होगा? गाइस, उसके ऊपर मैं बात करने आ रहा हूँ। बहुत टाइम से इस पेपर को पढ़ा भी रहा हूँ और बहुत क्लोजली भी देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक एडवाइस बनती है आपको देने के लिए। 5, 7, 8, 10 मिनट आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। देखिए, परसों अगर हम बात करें, परसों आप 1 बजे एग्जामिनेशन हॉल के लिए अप्रॉक्सीमेट निकल जाएंगे, 2 बजे पेपर बनता है। अगर हम आज 5 बजे से परसों 1 बजे तक देखते हैं तो हमारे पास 44 आवर्स हैं। ये टोटल 44 घंटे में, 2 दिन में 6 6 12 घंटे की नींद भी बनेगी बनेगी, इससे ज़्यादा मत लेना भाई, इतना घंटे ही सोना ठीक है। तो 44 माइनस 12 32 घंटे, और उस 32 घंटे में से 1 2 घंटे हम 2 घंटे लगभग मॉक टेस्ट को भी निकालेंगे, जो हमारा ICAI ने रिलीज़ करा है। एक ही मॉक टेस्ट रिलीज़ किया है, तो 32 माइनस 2 30, और 4 5 घंटे हमारा थोड़ा बहुत आराम, थोड़ा बहुत खाना पीना और ये सारी चीज़ों में भी रहेगा। तो इफेक्टिव अगर मैं मानता हूँ तो 24 घंटे हमें मिलेंगे आज 5 बजे से लेके परसों 1 बजे तक पढ़ाई करने के लिए। इसकी हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, 24 घंटों को इफेक्टिव कैसे यूटिलाइज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक बात बता दूं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल का, एक मिनट ज़रा बात समझ लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स का BCK का पेपर है। तो अगर 120 मिनट का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है ये ऑब्जेक्टिव, 2 घंटे में 72 मिनट हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स को देने हैं और 48 मिनट्स हमें देने हैं BCK को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इकोनॉमिक्स ही करते जा रहे हैं आराम आराम से, मजे मजे से, और टाइम निकल गया और BCK को फिर टाइम नहीं मिल पाया। इतना स्पीड मेंटेन करके रखना है कि 72 मिनट्स आई हैव टू कम्प्लीट माई बिजनेस इकोनॉमिक्स पोर्शन एंड 48 मिनट्स आई हैव टू कम्प्लीट माई BCK। ऊपर कार्ड में मैंने MCQ करने का जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिया है, आप ऊपर कार्ड में उस लिंक को ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमने फास्ट ट्रैक रिविजन्स कराए हैं उन सब के भी लिंक दे दिए। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी BCK या इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज मैक्सिमम हमारे वीडियोज़ डले हुए हैं, उन वीडियोज़ को बीच बीच में से सुन के जिन जिन पॉइंट्स में प्रॉब्लम है वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं इमीडिएट रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। अब एग्जामिनेशन हॉल की तो बात हो गई, MCQ की प्लानिंग आपके लिए पास वीडियोज़ हैं, आप आज पेपर भी MCQ बेस्ड था उसको देकर ही आएँ। अब बात करते हैं कि हमें जो अपना ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना है, इसके लिए हमें सर कैसे प्रिपरेशन करना है। गाइस, इस प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर सीधा सीधा आ जाते हैं। ये देखिए BCK एंड इस वाले पेपर पर मैं आपको क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि आपको इकोनॉमिक्स का ही प्रिपरेशन करना है। इकोनॉमिक्स में हमारे बात करें, अगर हम स्टडी मटेरियल में, तो हमारे पास टोटल है 5 चैप्टर, 1 2 3 4 5। और बेटे, इन 5 चैप्टर्स में मेरा आपको राय बनता है आप चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले कर लीजिए। बिजनेस साइकिल का चैप्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको आप सबसे पहले प्रिपरेशन कर लीजिए। 45 मिनट्स, 1 आवर लगेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें डेफिनेशंस देख लीजिए। हमने आपको बताया, हमारे वीडियोस भी अपलोडेड है, कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसको देख लीजिए। बिजनेस साइकिल करने के बाद चैप्टर नंबर 1 करिए। चैप्टर नंबर 1 पे एक फास्ट ट्रैक मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप उसे सुन लेते हैं तो भी आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। 40 मिनट्स का वो वीडियो है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। अदरवाइज अगर अच्छा तैयार है तो खुद ही करिए, वीडियोस के चक्कर में ना पड़िए। तो 5 पहले करें, 1 करें, देन 2 3 और 4, ये सीक्वेंस रहेगा, यानी 5 1 2 3 एंड 4। आज आपको क्या कंप्लीट करना है, 5 1 2, और कोशिश करिए 3 भी अगर कर सकते हैं, 3 भी दो पार्ट में, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो प्रोडक्शन तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। 4 आप सबसे एंड में उठाएंगे क्योंकि वो रिलेटेड है 2 3 का। चैप्टर 5 1 2 3 एंड 4, दिस इज द सीक्वेंस। कोशिश करें कल सुबह 8 9 बजे तक इन इकोनॉमिक्स को पूरा खत्म कर लें, कल 10 बजे तक इकोनॉमिक्स को खत्म करें। एंड देन इकोनॉमिक्स खत्म करने के बाद आपकी स्टडी में एंड में 2 सेल्फ एग्जामिनेशन पेपर्स दिए हुए हैं, सिर्फ इको के हैं, वो मैं यहाँ पे खोल ले रहा हूँ, सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो दीज आर 60 60 मार्क्स के 2 पेपर्स दिए हुए हैं बच्चों। ये 60 मार्क्स का एक है एंड देन सेल्फ एग्जामिनेशन 2 है, आपकी स्टडी के एंड में दिए हुए हैं। जैसे ही आपका ईको खत्म हो आप इसको इमिजिएटली कर लेंगे।
और देन उसके बाद आप बीसीके का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बीसीके की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो बीसीके का हमारा स्टडी मटेरियल पे मैं आ जाता हूँ। बीसीके में हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका भी मैं आपको सीक्वेंसिंग बता देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ वेरी इजी, सबसे आसान है। मेरे वीडियोस भी हैं, आप देख लीजिएगा। वीडियोस बहुत लंबे, कहीं किसी टॉपिक में अटके तो वो देख सकते हैं। चैप्टर 2 सबसे पहले करेंगे, देन चैप्टर 4 करेंगे। 4 में काफ़ी सारा लिंकेज 2 का है, सो अपना सिक्वेंसिंग मत बिगाड़िएगा। 2 करेंगे, देन 4 करेंगे, 2 एंड 4 के बाद 5 करेंगे, एंड देन चैप्टर 1 करेंगे। 2 और 4 के बाद आप 1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एंड 4 से रिलेटेड 1 है। जब 2 और 4 के बाद आप 1 करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। 2 करिए 4 करिए एंड देन 1 करिए, 1 फास्ट हो जाएगा। फिर 5 करिए, देन आफ्टर 6 एंड 3 आर बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 और 3 आप जो जिसे चाहें उसे पहले कर सकते हैं, और 3 के ऊपर मैंने एक फास्ट ट्रैक वीडियोस भी बनाया हुआ है, वो भी आप सुन सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 पे भी एक फास्ट ट्रैक वीडियो है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे, कोशिश करेंगे परसों 8 बजे तक सारा का सारा बीसीके और ईको ख़त्म हो जाए। एंड प्लीज़ कोशिश करेंगे वैसे कल तक ही हो जाए, और एक बार आप रिवाइज भी कर लेंगे। एंड देन इसके बाद आप इंस्टीट्यूट ने एक ये मॉक टेस्ट पेपर दिया है, इसे छोड़ के जाना तो पाप होगा, पाप पाप मत करिएगा। इसको तो जरूर करके जाइएगा, एक ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये। एमटीपी हमारा मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें ईको और बीसी के दोनों हैं, 60-40 मार्क्स के। इसको आप एक तरीके से प्री एग्जामिनेशन करने की कोशिश करिएगा, और देखिएगा उतनी स्पीड मेंटेन हो रही है, कितनी जल्दी आप 2 घंटे में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके लिए समय ज़रूर 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 निकालना है एनी हाउ, राइट दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं तो ये सारा काम करेंगे, अपने आप को कूल काम रखेंगे ही रखेंगे। देखिए डरने से यार, 6 उसके हैं, 5 उसके, 11 चैप्टर ही तो हैं, 24 घंटे भी अगर स्टडी को मिल रहे हैं तो अप्रैक्सीमेट 2 सवा 2 घंटे एक पेपर के लिए मिल रहे हैं, आपके पास इनफ टाइम है। कुछ तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, बेबी चैप्टर्स हैं, फटाफट हो जाएंगे, बहुत ही बेबीज हैं। दूसरा क्या, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, स्टार क्वेश्चन मार्क्स करे होंगे, जिन क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम आई होगी वो जरूर करेंगे। स्टडी पेपर के क्वेश्चंस प्लीज़ कोशिश करिएगा कदम कर लें, लेकिन सारे क्वेश्चंस होना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ आप अटके होंगे, जिन जिन पे आपने गोले घुमाए होंगे या जो भी आपका साइन है, वो क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देखेंगे। हर पेपर को ख़त्म करने के बाद स्टडी मटेरियल के रैंडमली तुक्कों से 8 10 8 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन ईको के ज़रूर करेंगे, एमटीपी 100% करेंगे। सो गाइज, दीज आर माई टिप्स, आप अच्छे से करिए, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही आपको जंग दिला जिताता है। एंड जिन बच्चों को लग रहा है मैं भूल रहा हूँ या मैं कैसे कर पाऊँगा, प्लीज़ जब आप ईको की तैयारी करें तो बीसीके पे दिमाग ना लगाएं, बीसीके की तैयारी करें ईको पे नहीं। आप सबको सब याद रहता है, आप 2 पेपर दे चुके हैं, आपने देखा कि आपको मैक्सिमम याद है। स्ट्रैटेजी ही जीत दिलाती है, बिना स्ट्रैटेजी के आपके पास कितना भी ज्ञान हो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम में भी स्पीड मेंटेन करके रखिएगा, 72-48 का जो फंडा है उसे ध्यान रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, विश यू वेरी गुड लक, बाय बाय।